हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। शेयर मार्केट की बात करें तो लास्ट एक मंथ से शेयर मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में और भी गिरावट शेयर मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो यही मौका है इस गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स को एक्युमुलेट करने का। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही तीन मल्टीबैगर स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसने पिछले 5 साल में 4000% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और ये अभी स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से लगभग 40-50% तक करेक्ट होकर ट्रेड कर रहे हैं। और वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें बिना स्किप करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला स्टॉक है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर का काम करती है और इंस्टॉलेशन का काम भी करती है और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 51% करेक्ट होकर 1480 पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 3038 रुपये है और एक साल के रिटर्न की बात करूँ तो 413% के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने और 5 साल के रिटर्न को देखें तो 63,162% के मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। और इसके अलावा कंपनी की मार्केट कैप 15,432 करोड़ की है और रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का ज़बरदस्त है 80.2% और उससे भी ज़बरदस्त ROCE है 107% और इंडस्ट्री PE इस कंपनी का 63 है और स्टॉक पी इस कंपनी का 77.5 है और यानी कि ये स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है। और इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.10 है यानी कि कंपनी पर डेप्ट बहुत कम है और डिविडेंड यील्ड 0.07% है और OPM इस कंपनी का 20.2 है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है और पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी की 385% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल की 299% है जो कि अच्छी सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.44% की है, साथ ही FIs की होल्डिंग 0.83% से बढ़कर 0.98% हो गई है। ओवरऑल कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स नज़र आते हैं। अगली सेकंड कंपनी एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर से है। कंपनी का नाम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है। ये कंपनी सभी तरह के शिप्स की रिपेयरिंग, रिसर्च और अपग्रेड करने का काम करती है और अगर रिटर्न की बात करें तो शेयर ने पिछले 1 साल में 140% के मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 55% करेक्ट होकर 1319 पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कंपनी की मार्केट कैप 34,540 करोड़ की है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2% है और ROCE 21.6% है जो कि डिसेंट है और इंडस्ट्री पी इस कंपनी का 60.2 है और स्टॉक पी इस कंपनी का 39 है जो कि इंडस्ट्री पी से ज़्यादा नहीं है और कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.09 है यानी कि कंपनी पर डेप्ट बहुत कम है और डिविडेंड यील्ड 0.74% है। OPM इस कंपनी का 24.1% है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है और प्लेज परसेंटेज 0 है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूँ तो पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की 9% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और उन्हीं 3 साल में 10% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। इसके अलावा प्रमोटर की 72.86% की अच्छी होल्डिंग्स है और वहीं DIs की 3.84% की होल्डिंग्स है। अगली थर्ड कंपनी EV सेक्टर से है। कंपनी का नाम एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग सॉल्यूशंस, बैटरी सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम का बिजनेस करती है और कंपनी की मार्केट कैप 3,698 करोड़ की है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% है और ROCE 20% है जो कि डिसेंट है और इंडस्ट्री पी इस कंपनी का 62.6 है और स्टॉक पी इस कंपनी का 98.2 है यानी कि ये स्टॉक ओवरवैल्यूड नहीं है और कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0.85 है यानी कि कंपनी पर डेप्ट कम है और डिविडेंड यील्ड 0% है और OPM कंपनी का 8.35% है और रिटर्न की बात करें तो शेयर ने पिछले 1 साल में 36% के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 42% करेक्ट होकर 306 पर ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की 26% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और उन्हीं 3 साल में 163% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। इसके अलावा प्रमोटर की 69.57% की अच्छी होल्डिंग्स है और वही DIs की 0.95% की होल्डिंग्स है। ओवरऑल सभी कंपनीज के अच्छे फंडामेंटल्स नज़र आते हैं, आप इन सभी स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से बनाया गया था। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड एडवाइज़र नहीं हूँ।
यहाँ पर मेरी तरफ से बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी जरूर कर ले, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।